बिहार एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दलों में शामिल एलजेपी सीटों के अब तक चयन नहीं होने से परेशान नजर आ रही है। एलजेपी संसदीय दल के नेता चिराग पासवान ने इसे लेकर चिंता जाहिर कर दी है। इतना ही नहीं, एनडीए को उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए। इधर जानकारी के मुताबिक एलजेपी संसदीय दल के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि साथी दलों के खाते में गई सीटों का चयन जल्द होना चाहिए, इसमें देरी नहीं हो क्योंकि इससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। उधर हर दल में सीटों को लेकर खटपट की शुरुआत है, जिसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि सीटों के चयन के बाद ही उनकी पार्टी उम्मीदवार तय करेगी। उधर रामविलास पासवान लगातार चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे हैं, ऐसे में हाजीपुर सीट किसके खाते में जाता है उसे लेकर भी पार्टी के अंदर कानाफूसी का दौर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रामविलास पासवान इस बार राज्यसभा जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर फैसला हुआ था। दिल्ली में बकायदा इसकी घोषणा खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की थी। मौके पर जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार, एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के अलावा चिराग पासवान भी मौजूद थे। सीट शेयरिंग में एलजेपी के हिस्से में 7 सीटों के अलावा बीजेपी और जेडीयू के खाते में 17-17 सीटें गई थी। लेकिन किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म है। और जिस तरह से चिराग ने तेवर दिखाए हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।